भारत समाचार की टीम पहुंची है उस पुल पर जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। करीब 14 साल हो चुके हैं इस पुल को। जो ग्रामीण है यहाँ पूरी तरह परेशान है। अगर रात में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई बीमार हो जाए तो करीब खुर्जा के लिए 20 किलोमीटर उन्हें घूमना पड़ेगा जब खुर्जा जाके उस मरीज को दिखाया जाएगा। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के भटवारा में ये अधूरा पुल स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। एक गांव को दूसरे गांव और कस्बों को जोड़ने के लिए इस पुल का निर्माण पूर्व सीएम मायावती के शासनकाल में शुरू कराया गया था। सरकार बदली तो अधिकारी और दूसरी सरकार के इरादे भी बदल गए, जिसका खामियाजा आज भी दर्जनों गाँव के लोगों को उठाना पड़ रहा है। यहाँ लोगों को किस तरह की यहाँ परेशानी झेली? ये बसपा गवर्नमेंट में बना था 20 साल पहले और ये 4-5 पुल बने थे जिनमें ये ही एक पुल ऐसा रह गया जिस पर ना तो इधर मुआवजा दिया गया, ना मिट्टी का कभी कोई प्रोग्राम हुआ। और ऐसे ही सब नेताओं पर हम घूमते रहे, सांसदों पर, मंत्रियों पर, तो किसी ने सबने इसकी अनदेखी करी। ना पुल बना होया, यहाँ पे पुल पे मिट्टी नहीं डली, ना इसको संविधान होता है। सर ये 15 साल से ज्यादा हो गया इस पुल को और परेशानी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। अगर ये नाव नहीं हो तो कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर से राउंड चक्कर जाना पड़ेगा। पुल बना हुआ खड़ा है, एक थमला इसका एक साइड का गिर भी गया, टूट गया, तो कुछ नहीं हुआ इसमें अभी तक, और 2012 से ऐसे ही खड़ा हुआ है। जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो बोलते हैं जो सर्किल रेट है आपका वो मुआवजा ले लो। किसान आदमी क्या बोलते हैं कि हमें 4 गुना मुआवजा चाहिए। जब गवर्नमेंट ने फाइनली 4 गुने का सबमिट स्टाम्प लगा दिया है तो अधिकारी क्यों नहीं देने में उसे दिक्कत कर रहे हैं? या तो बीच में खुदरा कुछ खाएंगे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं अधिकारी। फसल काटने से लेकर बाइक और मवेशियों को भी ले जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। और नदी पार करते समय अक्सर कुछ न कुछ हादसे तो हो ही जाते हैं। कभी बाइक नदी में गिर जाती है तो कभी मवेशी नदी में गिर जाते हैं। और नदी में मगरमच्छ होने से भी लोगों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल है। जिसके क्रम में इसमें करीब जो भटवारा साहिब है इसमें 16 गाटा संख्या है, 40 काश्तकार है ना। तो हम लोगों ने इसमें इनकी जो है रजिस्ट्री की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और अतिशीघ्र जल्दी से मतलब 10 या 15 दिन के अंदर हम इनकी सबकी रजिस्ट्री करा लेंगे। फिलहाल 14 साल से वीरान पड़े इस पुल का निर्माण कब होगा और इस समस्या से दर्जनों गांव के लोगों को निजात कब मिलेगी ये तो पता नहीं है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि शायद एक दिन पुल का निर्माण हो जाए। बुलंदशहर से भारत समाचार के लिए मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट।